नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यालयों का नया सत्र शुरू हुए लगभग आधा साल बीत चुका है और अब मध्य प्रदेश की सरकार को अतिथि शिक्षकों की भर्ती की सुधाई है। फाइनली आप एजुकेशन पोर्टल पर इसका नोटिफिकेशन दे सकते हैं। 4 अक्टूबर 2019 जस्ट अभी इस नोटिस को जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप इसे पढ़ सकते हैं। यहां पर आप इस नोटिस को दे सकते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा इसे जारी किया गया है, जिसके विषय में कहा गया है स्थानांतरण के फलस्वरूप रिक्तियों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखने के संबंध में। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ, जितने भी रेगुलर गवर्नमेंट के टीचर हैं जिन्होंने अपना ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था, वो ट्रांसफर की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद अब जहाँ जहाँ पर भी शिक्षकों की कमी है उस जगह को पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती को शुरू किया गया है। आगे इस आदेश में कहा गया है, संदर्भित आदेश में दी गई प्रक्रिया के अनुसार विद्यालय द्वारा अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था। शिक्षकों के स्वैच्छिक प्रशासनिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षक के कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत रिक्त पद के विरुद्ध पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक को शाला से तत्काल हटा दिया गया होगा। स्थानांतरित शिक्षक के कार्यभार ग्रहण करने के दिवस के बाद से अतिथि शिक्षक का मानदेय भुगतान नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि जैसे पहले अतिथि शिक्षक जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे उनके बाद जब रेगुलर गवर्नमेंट टीचर वहां पर आए तो उनके वजह से अतिथि शिक्षकों को वहां से हटा दिया गया और उसी दिन से उनका जो भी भुगतान है वो उनका भुगतान नहीं हुआ होगा, इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद आगे कहा गया है, स्थानांतरित शिक्षक के कार्य मुक्ति के उपरांत हुई रिक्तियों के विरुद्ध अध्यापन कार्य हेतु अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। शिक्षकों के स्थानांतरण के पश्चात परिवर्तित वैकेंसी अतिथि शिक्षक पोर्टल पर उपलब्ध है। स्थानांतरण के फलस्वरूप रिक्तियों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया संदर्भित पत्र के अनुसार की जाए। यदि विद्यालय में पूर्व से पैनल उपलब्ध है तो विद्यालय में उपलब्ध पैनल से मेरिट के क्रम में आवेदक को आमंत्रित करें। पोर्टल में विकास खंडवार प्रत्येक वर्ग एवं विषय में उपलब्ध आवेदकों की मेरिट के अनुसार पैनल उपलब्ध है, जिसे बिना किसी पासवर्ड के देखा जा सकता है। संकुल प्रचार के लॉगिन पर प्रदर्शित सूची में आवेदक के मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित होंगे। स्थानांतरण की प्रक्रिया के उपरांत रिक्तियों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने हेतु निम्नानुसार समय सीमा में कार्रवाई पूर्ण करें। इस पूरी बात का सार ये है कि यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती को शुरू कर दिया गया है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर अतिथि शिक्षक पर जो भी वैकेंसी खाली है वहाँ पर आप दे सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा जैसे कि आप सभी को पता है, अतिथि शिक्षकों की भर्ती मेरिट सूची के आधार पर की जाएगी, मतलब आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी आपका स्कोर है उस स्कोर के हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये देखते हैं कि आपको इसके लिए क्या प्रोसेस करना होगा। तो सबसे पहले स्कूल द्वारा पूर्व में तैयार पैनल उपलब्ध होने पर पैनल के अभ्यर्थी जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना, आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा 11/10/2019, मतलब 11 अक्टूबर 2019 को। इसके बाद पैनल उपलब्ध नहीं होने पर आवेदक द्वारा स्कोर कार्ड सहित आवेदन प्रस्तुत करने का भी काम आपको 11 अक्टूबर 2019 को करना होगा। ये दोनों प्रक्रिया 11 अक्टूबर 2019 को होगी। इसके बाद मेरिट के क्रम में आवेदक को आमंत्रित करना, आपको जस्ट उसके अगले दिन में ही मतलब 12 अक्टूबर को आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद आमंत्रित अतिथि शिक्षक द्वारा विद्यालय में ज्वाइनिंग एवं अध्यापन प्रारंभ 14 अक्टूबर से हो जाएगा, मतलब ये टोटल 3 दिन की प्रोसेस है। 3 दिन में सारी कार्रवाई हो जाएगी। आपको सबसे पहले पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में 11 अक्टूबर 2019 को प्रस्तुत होना होगा। 12 अक्टूबर को आपको बुलाया जाएगा और 14 अक्टूबर से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उस दिन से आप पढ़ाने का कार्य शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अस्थायी रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए CCL, मेडिकल अवकाश, ज्ञान पुंज, प्रशिक्षण, जो प्रशिक्षण DED, BED या फिर MED का है, पर जाने पर अस्थायी अतिथि शिक्षक की व्यवस्था। इसका मतलब यहाँ पर यह है, जितने भी गवर्नमेंट के रेगुलर टीचर हैं, अगर वो किसी कारणवश मेडिकल अवकाश में हैं या फिर किसी प्रशिक्षण की वजह से वो अब्सेंट चल रहे हैं, वो अनुपस्थित हैं, तो उनकी जगह में अस्थायी रूप से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। उसके लिए अतिथि शिक्षक को उसी अवधि के लिए ही आमंत्रित किया जाएगा जिस अवधि के लिए नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं है। अतिथि शिक्षक की व्यवस्था ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही की जाएगी। अस्थायी रिक्तियों के प्रदर्शन एवं रखे गए अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग के लिए NIC द्वारा GFMS पोर्टल पर मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, जिसके उपरांत अस्थायी रिक्तियों के विरुद्ध रखे गए अतिथि शिक्षकों की प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर करें। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पर समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपको GFMS पोर्टल पर आना होगा। इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। इस पोर्टल पर आने पर सबसे ऊपर आपको रिक्तियों का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं। रिक्तियों पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जो सूची है वो यहाँ से आप देख पाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर नीचे सेकंड ऑप्शन है
कार्यरत अतिथि शिक्षकों की संख्यात्मक जानकारी जिलेवार और संकुलवार, यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना चाहते हैं या फिर संकुल वाइज देखना चाहते हैं तो जितनी भी जगह जहां पर खाली है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। सिंपली आपको ये जो कोड दिख रहा है वो आपको इंटर करना होगा। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद आपको जिलेवार अतिथि शिक्षकों की संख्यात्मक जानकारी देखें इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर आप दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन से वर्ग में कितने रिक्त पद हैं, पूरी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा, आप संकुल वाइज भी देख सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी। जहाँ पर जगह खाली है आप उसी संकुल में जाकर डायरेक्टली आपको प्राचार्य संकुल से मिलना होगा। आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सारे दस्तावेज आपको ले जाकर वहाँ पर प्रस्तुत होना होगा। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको उन्हें सेलेक्ट करना होगा तो आपको अगले दिन बुलाया जाएगा और इस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे सब तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।